ट्रीटमेंट ऑफ पेरोमिनिया फार्माकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल ट्रीटमेंट की हम पहले बात करेंगे जैसे हमें पता है कि जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो साइकोलॉजिस्ट नहीं देते और दैट हज द फंक्शन विच विल बी डन बाय द साइकेट्रिस्ट तो सर्टेन टाइम बच्चे जो हैं वो साइकेट्रिस्ट के थ्रू आपके पास रेफर होते हैं तो सर्टन टाइम दे आर ऑलरेडी ऑन मेडिकेशन समाइम दे विल गो लेटर ऑन ऑन द मेडिकेशन इसी तरह समाइम बच्चे जो हैं वो आपके पास डायरेक्टली रेफ़र होते हैं एंड यू विल फील कि वो जो आ, आ, बच्चा है उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो आप उसको फिर साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर देते हैं तो जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके अंदर यूजुअली एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं एंटी डिप्रेसेंट सर्टेन टाइम इसलिए यूज़ की जाती हैं कि जो उनके मूड से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जो है आ, वो आ, उनको एड्रेस किया जा सके इसी तरह साइकोटिक्स जो हैं अगर बच्चे का रियलिटी के साथ कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो सर्टेन टाइम उन्हें एंटीसाइकॉटिक दे दिया जाता है ताकि उनके जो बिहेवियर्स हैं वो उनका रियलिटी के साथ जो कांटेक्ट है वो इम्प्रूव हो सके बट अगेन इट इज़ द समथिंग विच द साइकॉट्रिस्ट विल डिसाइड कि उन्होंने कौन सी मेडिकेशन बच्चे को देनी है देन वी विल मूव टूव द बिहेवियर थेरेपी बिहेवियर थेरेपी के अंदर हम कई एक टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हम एक बात बार बार कह रहे हैं कि इनके रेपिटेटिव थाट्स आते हैं और उस रेपिटेटिव थाट्स की कंडीशन uh, के अंदर ये एकदम से इम्पलसिव होकर जाके फायर सेट करते हैं तो वी कैन डू द रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी विद डैम कि उनको हम रिस्पॉन्स को डिले करना सिखाएं कि अगर उनके जहन के अंदर ये आ रहा है कि उन्होंने फायर सेट करना है तो दे शुड डिले द रिस्पॉन्स फॉर फाइव मिनट्स थ्री मिनट्स टेन मिनट्स इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि कितनी उनका टाइम के लिए उनके जहन के अंदर वो थॉट आता है और कितनी देर डिले करने से वो थॉट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है तो वी कैन डू दैट थिंग लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हम करेंगे वो फायर सेफ्टी एजुकेशन है फायर सेफ्टी एजुकेशन हम पेरेंट्स के साथ भी करेंगे और बच्चों के साथ भी करेंगे और दोनों के साथ हम अलग अलग करेंगे अब दोनों के साथ जब हम अलग अलग करेंगे तो पेरेंट्स को बेसिकली हम बताएंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं कि अगर बच्चा फायर सेट करे तो आ, कौन कौन से हैज़रट्स जो हैं वो फ़ेस कर सकते हैं और उन्होंने उन हैज़ट्स को किस तरह कंट्रोल करना है तो पेरेंट्स शुड नो कि उनका जो बच्चा है उसका जो बिहेवियर है उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट कौनसिक्वेंसेस सामने आएंगे वो किस किस्म के हो सकते हैं और जो बच्चा है वी नीड टू बी आ, एजुकेट द चाइल्ड के क्या उसको पता है कि जो फायर सेट वो करता है उसके एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और अगर उसको वो नहीं पता तो वी नीड टू बी एजुकेट दैट थिंग फिर हमने उसको बताना है कि जब फायर सेट हो जाए तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है उसके लिए वो वैकन किस तरह यूज़ कर सकता है और वो किस तरह से फायर को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकता है तो ये चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड की ट्रेनिंग के लिए तो वी नीड टू बी टल दैट थिंग फॉर द चाइल्ड जिस तरह उसको बताया जाता है कि अगर फायर सेट हो तो उसने किन एमरजेंसी हेल्पलाइंस के ऊपर कॉल करनी है किस तरह जो है रूम uh, को या उस बिल्डिंग को उसने लीव करना है किस तरह उसने रोल करना है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाती हैं इसके बाद उनको ये भी बताया जाता है कि उनका कोई भी अन सेफ्टी जो है वो कितना ज़्यादा हैज़र्ड जो है वो आ, करेगा आ, दूसरे लोगों के लिए सो सर्टन टाइम जो बच्चे होते हैं दे डिड नॉट नो अबाउट द एग्जैक्ट मयर ऑफ द ऑफ द हेजर्ट्स जो वो क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये सारी जो एजुकेशन है ये उनको हम फायर सेफ्टी एजुकेशन के अंदर uh, सिखाते हैं और उसके बाद पेरेंट्स और uh, जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हम बिठा के कंबाइनली दोनों का सेशन लेते हैं ताकि उनको ये आइडिया हो सके They both are equipped with the fire, uh, fire safety education. Thank you.